बॉलीवुड में इन दिनों बस एक ही बायोपिक की चर्चा जोरों पर है, वो है संजू। संजय दत्त के जीवन पर बनने वाली इस फिल्म में उनके जीवन की हर छोटी से छोटी घटनाओं और पहलुओं के बारे में जिक्र किया है। वहीं इस फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही हर कोई उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा है। वहीं उनकी 308 गर्लफ्रेंड होने की दिलचस्प बात ने तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इस फिल्म को लेकर सबसे पहले माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के अफेयर की चर्चा एक बार फिर बी टाउन में गर्म हो गई। माधुरी के बाद अब एक और एक्ट्रेस का नाम चर्चा में आ गया है। ये कोई और इंसान नहीं बल्कि एक अरबपति बिजनेसमैन की पत्नी है। हम बात कर रहे हैं टीना मुनीम की। बता दें कि एक वक्त था जब टीना मुनीम और संजय का अफेयर काफ़ी सुर्खियों में था। हाल ही में रिलीज हुए एक पोस्टर में सोनम कपूर नजर आई। फिल्म में सोनम टीना मुनीम के किरदार में नजर आने वाली है। बता दें कि टीना और संजय दत्त ने एक साथ फिल्म रॉकी में काम किया था। ये संजय की डेब्यू फिल्म होने के साथ साथ ही टीना की उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी। टीना और संजय एक दूसरे के बचपन के दोस्त होने के साथ ही एक दूसरे को बेइंतहा प्यार भी करते थे। संजय दत्त और टीना के प्यार के बारे में जो है संजय के पिता सुनील दत्त और मां नरगिस को भी पता था। सुनील ने उनके प्यार को देखकर रॉकी फिल्म बनाने के बारे में सोचा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। वहीं नहीं, इसके बाद टीना ने फैसला लिया था कि वह संजय के साथ ही फिल्मों में काम करेगी, जिसके बाद उन्होंने उन फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे जिन्होंने बाद में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था। संजय दत्त बहुत कम उम्र में ही ड्रग्स और अल्कोहलिक एडिक्ट हो गए थे। उनके ऐसे वक्त में टीना ने उनको हर कदम पर संभाला, उन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन जब लाख समझाने पर संजय नहीं सुधरे तो टीना ने उनसे दूर होने का कठिन फैसला लिया। टीना संजय को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इसके बाद तो संजय का हाल और भी बुरा हो गया और वे गम सहन ही नहीं कर पाए। बता दें कि 22 मई 1982 की रात जो हुआ उसके बारे में सोचकर संजय आज भी रोते हैं। टीना के जाने का गम संजय दत्त को इस कदर सता रहा था कि उन्हें खुद को होश भी नहीं ला पाए थे। 22 मई की रात वह अपने पाली हिल स्थित घर पहुंचे और अपनी 22 बोर राइफल से फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ से पड़ोसी डर के मारे अपने अपने घर के बाहर निकल आए। उनकी हालत देखकर हर कोई हैरान था। नशे में होने की वजह से वह लड़खड़ा रहे थे, उनके हाथ से खून निकल रहा था। संजय सड़क पर चीख चीख कर रोने लगे और बोले, आप सब मुझे डर क्यों रहे हो, मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ, मैंने ड्रग लेना छोड़ दिया है। उनका ये हाल टीना की वजह से हुआ था। टीना की यादें उन्हें डरा रही थी। टीना के जाने से वो अकेले पड़ गए थे। लोगों ने कहा था कि वो मंजर डरा देने वाला था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर दिया था। बता दें कि बाद में टीना की ज़िंदगी में अनिल अंबानी आए। उन्होंने 1991 में अनिल अंबानी से शादी कर ली। टीना अब कई तरह के फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप की चेयरपर्सन भी हैं। उनके दो बेटे अंशुल और अनमोल हैं। और अनिल अंबानी से पहले टीना का नाम राजेश खन्ना से भी जुड़ा था। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि मिलेगी आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।